हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन जादव फ्रॉम सानिवका इलेक्ट्रिकल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो अभी हम लोग देख रहे हैं डबल पोल स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे रहता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स कनेक्ट करते हैं, उसके मटेरियल का साइज क्या रहता है। नॉर्मली यहाँ पे देखो आप लोग, ये 22 केवी बाय 440 वोल्ट का यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डीटी सेंटर है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे दो डिस्क इंसुलेटर टॉप में कनेक्ट किए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 22 केवी इसको कंसिडर करते हैं। सो नॉर्मल एक डिस्क इंसुलेटर 11 केवी का रहता है, इसके लिए 22 केवी का 440 वोल्ट में यहाँ पे कन्वर्जन किया हुआ है। सो नॉर्मल यहाँ पे देखो आप लोग, लाइन साइड में पहले जो आता है वो रहता है लाइटनिंग अरेस्टर। नॉर्मली हम लोग 3 लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पे यूज करते हैं। सो जो लाइटनिंग अरेस्टर जिस चैनल पे हम लोग माउंट करते हैं उसको हम लोग लाइन चैनल बोलते हैं, और लाइन चैनल जो रहता है लाइटनिंग अरेस्टर माउंटिंग के लिए यूज करते हैं, उसका जो डायमेंशन रहता है वो रहता है 100 बाय 50 बाय 6 mm। और उसका 11 केवी के लिए हम लोग नॉर्मल लेते हैं 9 फीट, और जो 22 केवी का अगर डीपी रहेगा तो वहाँ पे उसके लिए हम लोग 11 फीट उसका हम लोग कंसिडर करते हैं उसका लेंथ। फिर उसके बाद में सेकेंड है एबी स्विच। सो यहाँ पे देखो जो लाइटनिंग अरेस्टर के बाद वहाँ पे एबी स्विच कनेक्ट किया है। जो एबी स्विच जिस चैनल पे माउंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एबी स्विच चैनल। तो एबी स्विच चैनल का जो डायमेंशन रहता है वो रहता है नॉर्मली 75 बाय 40 बाय 6 mm। तो उसका नॉर्मली जो लेंथ रहता है वो 11 केवी के लिए हम लोग 9 फीट लेते हैं, और 22 केवी का रहेगा तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली उसका 11 फीट वहाँ पे कंसिडर करते हैं। फिर बाद में थर्ड आता है इक्विपमेंट, वो रहता है एचजी फ्यूज, या फिर हम लोग उसको डीओ फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज वहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। सो ड्रॉप आउट फ्यूज जिस पे हम लोग, या फिर एचजी फ्यूज जिस पे हम लोग कनेक्ट करते हैं उस चैनल को हम लोग एचजी फ्यूज चैनल हम लोग बोलते हैं। सो एचजी फ्यूज चैनल का जो डायमेंशन रहता है नॉर्मली वो रहता है 75 बाय 40 बाय 6 mm। 11 केवी के लिए हम लोग एचजी फ्यूज जिस पे माउंट किया है उस चैनल का, जो यहाँ पे दो चैनल आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसका 11 केवी के लिए हम लोग नॉर्मली कंसिडर करते हैं 9 फीट लेंथ, और जो 22 केवी का अगर रहेगा डीटी स्ट्रक्चर तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली 11 फीट वहाँ पे कंसिडर करते हैं। फिर अभी उसके बाद में एचजी फ्यूज के बाद में आ जाता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अभी यहाँ पे देखो, ट्रांसफार्मर के यहाँ पे आप लोगों को दो एंगल वहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। एक रहता है ट्रांसफार्मर के बेस में वहाँ पे कनेक्ट किया है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर बेस चैनल। उसका नॉर्मली डायमेंशन रहता है 100 बाय 50 बाय 6 mm, जिस पे ट्रांसफार्मर हम लोग माउंट करते हैं। और दूसरा जो है अपर वाला एंगल, जो ट्रांसफार्मर के अपर साइड में वहाँ पे लगा है, उसका जो रेटिंग रहता है 50 बाय 50 बाय 6। नॉर्मली उसको हम लोग ट्रांसफार्मर बेल्टिंग एंगल हम लोग उसको बोलते हैं। उसका लेंथ नॉर्मल रहता है 2.8 मीटर। मतलब अगर 11 केवी का डीपी स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको हम लोग 9 फीट कंसिडर करते हैं, और 22 केवी का अगर यहाँ पे कंसिडर किया हम लोगों ने तो वहाँ पे उसका 11 फीट वहाँ पे लेंथ रहता है। और जो साइड पोल्स है जिसपे हम लोग ये पूरा टोटल इक्विपमेंट जो माउंट करते हैं उसका नॉर्मली हम लोग, उसका जो डायमेंशन रहता है वो रहता है 100 बाय 116, उसका RMT डायमेंशन रहता है, और उसका जो लेंथ रहता है नॉर्मली हम लोग 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर या फिर 13 मीटर वहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कहाँ पे रोड क्रॉसिंग है या फिर लाइन रोड साइड में है वो कंसिडर करके हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते हैं। अभी ट्रांसफार्मर के आउटगोइंग से वहाँ से केबल के निकल के चला जाता है, वो जाता है डायरेक्टली चला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लिंथ माउंटेड डीटी स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने देखा पोल माउंटेड, अभी दूसरा है नेक्स्ट है प्लिंथ माउंटेड। प्लिंथ माउंटेड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर जो रहता है नॉर्मली हम लोग 500 केवी के ट्रांसफार्मर जो रहते हैं उसके आगे वाले ट्रांसफार्मर के रेटिंग के लिए हम लोग नॉर्मली प्लिंथ माउंटेड स्ट्रक्चर वहां पे हम लोग इंस्टॉल करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांसफार्मर प्लिंथ पे हम लोगों ने यहाँ पे माउंट किया है, और जो पोल माउंटेड था उस पर हम लोगों ने, जो बेस चैनल था उस पर हम लोगों ने माउंट किया था। यहाँ पे देखो प्राइमरी के लिए RYBI और सेकेंडरी में RYBI और न्यूट्रल, तीन टर्मिनल गए। सेम इसका कंस्ट्रक्शन और उसका कंस्ट्रक्शन सेम रहता है। नॉर्मली ट्रांसफार्मर यहाँ पे प्लिंथ पे माउंट है, और डबल पोल स्ट्रक्चर में ट्रांसफार्मर डबल पोल पे माउंट किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो लाइन साइड में आप लोगों को लाइटनिंग अरेस्टर दिखाई दे रहा होगा, फिर उसके बाद में एबी स्विच है, फिर उसके बाद में हॉर्न गैप फ्यूज है, फिर हॉर्न गैप फ्यूज के बाद में केबल आया है, और डायरेक्टली जहां पे प्लिंथ माउंटेड ट्रांसफार्मर है वहां पे प्लिंथ माउंटेड ट्रांसफार्मर को वहां पे कनेक्शन दिया हुआ है उसका, और उसका इसका जो भी इक्विपमेंट रहता है प्लिंथ माउंटेड का और पोल माउंटेड का सेम ही इक्विपमेंट रहता है। लाइटनिंग अरेस्टर, एबी स्विच, एचजी फ्यूज और ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के आउटपुट से केबल फिर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में चला जाता है। ऐसे वीडियोज देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।